दमयंती से ये कहता है कि दमयंती चलो उसी कुटिया में चलते हैं। एक साड़ी के अंदर राजा नल और रानी दमयंती ने अपना गात ढक लिया, उसी कुटिया में पहुंच जाते हैं। बातें करते रहे, रात्रि का समय हो जाता है। रानी दमयंती की आंखें लग जाती हैं। राजा नल विचार करता रहा, या साथ मर रहेगी, ये दुख इसे सहन नहीं होगा। क्यों ना ये आधी साड़ी काट के यहां से चलना चाहिए। कलयुग तेगा बढ़ के उसी कुटिया की कोण में दरिया हुआ दिखाई देता है, उसके सहारे साड़ी काटता है। किसी गोहर अंधेरी रात में नल काटन ला गया रसाई, आधी साड़ी काट के वहां से चल पड़ता है। आ जा स्वर्णकार से ईश्वर प्रधान जी दोनों पार्टियों का 100 रुपये और देते हैं बार बार। धन्यवाद है, धन्यवाद। राजा नल वहां से चले जाते हैं। जब सुबह दमयंती की आंखें खुली, काफी देर इंतजार किया, कुटिया से बाहर आई, वो पेड़ दिखाई देती, उन पेड़ों को निहारती हुई वहां से चलती है। क्या विचार करती है, क्या बहुत देर का अरे या फिर सोती सी आएगी बात ये भाई ने सुनाई है। हमारी बात कैसे क्या कहा, तेरे सखिया के मां करवा दी, परदेसी नाड़े तले में मरवादी आप बचाली अपनी जान चले सखिया के मरवादी परदेसी नाड़ चले मैं मरवादी आप बचाली अपनी जान चले सखिया के मरवादी परदेसी नाड़ चले मैं मरवादी आप बचाली अपनी जान चले मरवादी आप बचाली अपनी जान चले।
संतरे नारंगी तो आ गया छोल छोल के पार्सन रखे हाथी मारे बड़िए जुगा टोल के जान बचा के आई सु परदेसी झूठ बोल के जान बचा के आई सु परदेसी झूठ बोल के मैं बहु बता Yeah.
विकास प्रेमी शाहपुर से दोनों पार्टियों को 200-200 रुपए समान समान। अमरपाल मिस्त्री प्रेमी दोनों पार्टियों को 100-100 रुपए समान समान कर। भाई काला 100 रुपए राजे साथी सोनारिया से उनके नाम से देते हैं, 100 रुपए पार्टियों को देते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। गांव सिवाड़का से ईश्वर प्रधान जी 100 रुपये से और मान सम्मान करते दोनों पार्टियों का, बार बार धन्यवाद है, क्या कहा आखिरी नंबर पर। धन्यवाद।